नवी मुंबई के अरोली में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सागर के किनारे मैंग्रोव के पेड़ लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंग्रोव से ही खेकड़े ज्यादा संख्या में पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सागरी सुरक्षा और कोस्ट गार्ड के विषय में चर्चा की। आज मैंने पूरा कोस्टल जोन का एक दौरा किया है, कोस्ट गार्ड के साथ मैंने चर्चा की है, उनको क्या वाइटल पॉइंट्स लगते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स लगते हैं वो मैंने समझ लिया है। जल्दी ही कोस्ट गार्ड, हमारी मरीन पुलिस और सरकार, हम लोग साथ में बैठेंगे और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो उपाय योजना करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। नवी मुंबई के अरोली से मात्र 10 मिनट के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दूसरे प्रोग्राम के लिए निकल गए। यह प्रोग्राम फॉरेस्ट विभाग की ओर से वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, जिसमें पूरे दुनिया में वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए और उसका वाइस यूज के लिए मनाया जाता है और उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो आज ये दिन में मुख्यमंत्री महोदय इधर आके मैंग्रोव का प्लांटेशन लिया है और उसके साथ मैंग्रोव में जो लाइवलीहुड एक्टिविटी है क्रैब फार्मिंग, उसके लिए छोटे क्रैबलेट्स को रिलीज किया है एज ए सिम्बोलिक जेस्चर। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे मैंग्रोव नर्सरी का इंस्पेक्शन किया और बोर्ड वॉक का इंस्पेक्शन किया। ये जो सेंटर इधर आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग एक मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने वाले हैं, जिसमें से लोगों को मैंग्रोव के बारे में, मरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिलेगा और उनको एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। उनको फ्लैमिंगोस बर्ड्स दिखने को मिलेगा, बोट राइड करके उसको मैंग्रोव देखने को मिलेगा। इसका इस तरह का हमारा पूरा प्लान। वैसे फॉरेस्ट विभाग की ओर से कहा गया है कि मनोहरी दृश्य देखने के लिए एरोली में बहुत जल्द बोट सर्विस भी शुरू की जा सकती है। मुंबई से नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए राहुल कामली की रिपोर्ट।